वेलकम बच्चों, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय ओसोमीटर। ठीक है, जो आज हमारा प्रैक्टिकल का एम होगा, एक्सपेरिमेंट का एम होगा, वो होगा स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, स्टडी करेंगे ऑस्मोसिस की बाय ओसोमीटर, या सिंपली ये कह सकते हैं जो पोटैटो होता है वो किस तरह ओसोमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले उसके अंदर पेट्री डिश, पिंस, नाइफ, शुगर, स्पैचुला, वाच ग्लास और एक बड़ा विदाउट पील वाला पोटैटो। इसके अलावा इस प्रैक्टिकल में डिस्ट्रीब्यूटर और 20% शुगर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अब 20% जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा उसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। 20 ग्राम वेट करेंगे हम शुगर का, और क्या करेंगे, 100 ml वाटर के अंदर इसको डाल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम डिजोल्व करेंगे, और डिजोल्व होने के बाद क्या बन जाएगा, 20% हमारा क्या बन जाएगा, शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, पोटैटो लेंगे, पोटैटो के दोनों एंड को इस तरह काट लेंगे, और दूसरे एंड को भी ऐसे। ओके, कुछ इस तरह का हमें मिलेगा दोनों एंड को काटने के बाद पोटैटो। और अब इसके बाद पोटैटो के बीच में क्या करेंगे, नाइफ के हेल्प से पोटैटो कैविटी बनाएंगे कुछ इस तरह। इसके लिए हम स्पैचुला का भी यूज कर सकते हैं ऐसे। और ऐसा करने से क्या होगा, एक अच्छी कैविटी इसके अंदर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। देखो बिल्कुल एक बहुत अच्छी कैविटी बिल्कुल तैयार हो गई है इस पोटैटो के अंदर। इसके बाद जो पेट्री डिश है उसको आधे से ज़्यादा हम क्या करेंगे, पानी से भर लेंगे, फिल कर लेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, इस पोटैटो को उस वाटर के अंदर रख देंगे जो कि हमने पैटी डिश के अंदर डाला था। इसके बाद क्या करेंगे, जो पोटैटो के अंदर हमने कैविटी बनाई है उसके अंदर 20% क्या करेंगे, शुगर सॉल्यूशन फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक, मतलब थोड़ा हाफ से ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में हमारा इस पोटैटो कैविटी के अंदर जो लेवल था शुगर सॉल्यूशन का, उसको क्या करेंगे, पिन से डिनोट करेंगे, मेजर करेंगे, यहाँ पे पिन लगा देंगे जहाँ तक उसका लेवल है। ओके, ठीक है, अब इसको हम 2 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, और हम 2 घंटे के बाद जब हम इस पोटैटो कैविटी के अंदर शुगर सॉल्यूशन के लेवल को देखते हैं तो पहले वाले से क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, इस पिन से क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो काफ़ी डिफरेंस मिलेगा हमें। ये तो भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि पेट्री डिश के अंदर हम क्या लिया था, डिस्टिल्ड वाटर लिया था या प्योर वाटर, और आपको पता है जो प्योर वाटर होता है उसकी फ्री एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जब इस वाटर मीन्स इस सॉल्वेंट के अंदर फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, ये मूव करेगा हायर फ्री एनर्जी टू लोअर फ्री एनर्जी, और ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसकी कैसी होगी, लो फ्री एनर्जी होगी। तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर में से क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे कहाँ पे, इस जो यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू, और इसका शुगर सॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस तरह क्या करेगा, पोटैटो ऑस्मोमीटर की तरह क्या करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा।